गरीब माँ गरीब महिला रो रही है, तड़प रही है, इतने आंदोलन हो रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अपने ही गृह क्षेत्र से लड़कियों की इज्जत नहीं बचा पा रहा तो पूरे स्टेट में क्या बचाएगा। ये कहना चाहूंगी एक महिला होने के नाते कि कहीं भी करप्शन हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो। मैम क्या नाम आपका, कौन बात करेगा, आप बात करोगे? नमस्कार मैम, आपका ये जो आप जुलूस निकाला गया है इस तरीके से, जिस तरीके से छेड़खानी का मामला यहाँ पर उत्तराखंड हल्द्वानी से रिलेटिव आ रहे हैं, तो कहाँ से जुलूस था? ये हमारा बुद्ध पार्क से जुलूस निकला और इसमें मात्र शक्ति ज्यादा से ज्यादा है और हम ये कहते हैं लगातार चार पांच लगातार बरातार होते जा रहे हैं। बड़ी दुख का विषय है, प्रशासन भी सोया है और अब जो बीजेपी की सरकार वो तो सोई है ही है, लेकिन प्रशासन भी सो गया है और इसलिए हम कह रहे हैं जागो और ये बिल्कुल ऐसा मत बनाओ कि मतलब हम सोए हैं, जागो। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा हल्द्वानी में उत्तराखंड में ऐसा कभी हमने देखने को नहीं मिला, आज हमें ये देखने को मिल रहा। और अपने बच्चों के लिए लोग अपनी लड़कियों के लिए इतने परेशान हैं, हम अपनी लड़कियों की अपनी बहुओं की कैसे इज्जत बचाएं, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इसलिए आज हमने ये मातृशक्ति का आज हमारे यूथ कांग्रेस मैदान में है, कुछ तो सुने कुछ तो करें, बड़ी दुख का विषय है। जय हिंद। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आए दिन का, परसों भी आपका धरना था, बहुत सारे यहाँ पर जुलूस निकल गए हैं। क्या ये जुलूस निकालते रहेंगे आप, बस आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे या फिर सरकार कुछ संज्ञान लेगी? सरकार जागेगी नहीं तब तक धरना प्रदर्शन महिलाओं के लिए, हम अधिकारों के लिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति लगते यहाँ पर। जैसे किसी आरोपी को अगर उसको आरोप साबित हो जाता है, किसी को तो 30-30 साल लग जाता है, 5-5 साल लग जाते हैं। जैसे निर्भया कांड जो हुआ था उसमें कम से कम 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा हुआ था, तो इन दोषियों को इतना समय क्यों दिया जाता है और इतना क्यों उनके तरफ से वकील क्यों रखा जाता है अगर वो दोषी है तो सीधे? जैसे आप उत्तराखंड में देखते हैं सरकार उनकी है करप्शन हो रहे हैं, इनके लिए हम खड़े ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आधा जो अपराध हो रहा है ये खुद ही डर जाएंगे कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा। तो वकीलों को चाहिए पैसा, वो तो पैसे के लिए करेंगे। निर्भया कांड की बात पे बात करी, निर्भया कांड 2012 में हुआ और उसके बाद तुरंत कांग्रेस की गवर्नमेंट को चेंज करा गया, इतना बीजेपी वालों ने हुआ मचाया, सभी लोगों जन आक्रोश फैलाया गया, ठीक हुआ, अच्छा हुआ। सरकार सचेत होनी चाहिए और उसको न्याय मिला भी, लगते लगते 7 साल लगे आपने कहा, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की थी, बीजेपी ने किया। आज अंकिता भंडारी केस में जबकि जो मुजरिम है पकड़े गए, आज भी ना वीआईपी का नाम पता है, ना उस बेचारी माँ गरीब महिला रो रही है, तड़प रही है, इतने आंदोलन हो रहे हैं, उसके बाद भी जो कह रहे हैं भी मर गई उसकी, इतनी अच्छी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा दे रहे हैं, यहीं पर इनकी नीयत पर बड़ा खोट है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री अपने ही गृह क्षेत्र से लड़कियों की इज्जत नहीं बचा पा रहा तो पूरे स्टेट में क्या बचाएगा। और जहाँ इनके सरकार है उपकार हो रहे हैं तो कुछ नहीं है, वहाँ सब ढक दिया जा रहा है। और जहाँ अपोजिशन की दूसरे की सरकार है वहाँ ये हल्ला बना रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी एक महिला होने के नाते कि कहीं भी करप्शन हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माता बहने जो भी है यहाँ पर, जो हल्द्वानी में यहाँ पर आए दिन आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, खाली सुने, वो उसके बाद क्या हुआ, कार्रवाई हुई, किसी मीडिया में खबर आई कि उसको ये सजा होगी, उसको ये सजा होगी? आज तक पता है आपको, जब टेम्पो से जब स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो आपको पता है कि उनको क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ जेल में है और कौन कार्रवाई कर रहा है, पता है आपको? हाँ या नाम है बताइए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? पुष्पा नेगी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। ये बताओ अब एक बचाएंगे कैसे, जितने इनके मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कल सल्ट में कल ही 4 साल की लड़की के साथ हुआ है, वो मंडल अध्यक्ष है, चंपावत में मंडल अध्यक्ष है, तो अब ये कहाँ बचाएंगे, किसको बचाएंगे? जो अंकिता हत्याकांड में लिप्त है वो भी बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी है, बाप भी और बेटा भी, तो कैसे बचाएंगे? तब नहीं बचाए जा रहे, अपने लोगों को बचा रहे हैं, वो कहाँ वो करेंगे? तब वकीलों को खूब मोटी रकम दे रहे, वो क्यों वो करेंगे केस को?
कैश ढीला कर दे रहे हैं। इसलिए हम महिलाएं इनके लिए सड़क से लेके सदन तक, सदन भी जाना पड़ेगा तो हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। पहले हम यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद हम मुख्यमंत्री घेराव भी करेंगे, क्योंकि हमको, हमारी बच्चियाँ स्कूल जा रही, ट्यूशन जा रही, वो सुरक्षित नहीं है। माँ बाप कोई सब बस में नहीं जाते, देर हो जाती है, ऑटो में भी जा रहे हैं, ऑटो में कितने घटना हो गए। जिस तरीके से उड़दंगबाजी कर रहे हैं, पीछा कर दे रहे हैं कार से, और उन उन हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित? आप देखिए, वो खाली 24 घंटे के अंदर वो रिहा हो जाते हैं जमानत पे। अभी हाल ही में चौकी के पास, थाने के पास नहीं, जो हमारी सरकार के लोग होंगे तभी तो वो उनको बचा रहे हैं। वो जो रहे, क्योंकि उसमें उनके बड़े नेताओं का भी हाथ है उनके सर के ऊपर। नहीं तो कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें दोषी को तुरंत सजा नहीं मिलती? इसलिए उनमें मुख्यमंत्री से लेके पूरे इनके जितने नेता हैं सब लिप्त हैं। इसलिए वो अपने का, वो उन्हीं के कार्यकर्ताओं का बचा रहे हैं। कानून बनाइए, ऐसे नहीं होगा, कानून बनाइए। हम तब तक महिलाएं सड़क में रहेंगे, अभी सोच रहे हैं हम ऐसे करते रहेंगे, नहीं तो हमको हथियार लेना पड़ेगा। जैसे बंगाल में जो केस हुआ, ममता बनर्जी अभी रोड पे आए, उनकी मांग है कि 15 दिन में आप कानून बनाओ। इतना सब कुछ, इतना आर्थिक स्थिति का नुकसान होने के बाद भी अब भी कोई कानून नहीं बना, बताइए। तो गाइस, अभी मैं नंदाल रोड पर हूँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में। आज यहाँ पर जो महिला से लेकर, जो सुरक्षा से लेकर चिंताएं जताई जा रही है, तो आज यहाँ पर इस तरह से जुलूस निकल रहा है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू काफी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, काफी लोग यहाँ पर रोड में यहाँ पर जुलूस निकल रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि बिल्कुल सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, महिलाओं से लेकर, महिलाओं की जो सुरक्षा है उससे लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, यही इनका, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आए दिन हो रहे हैं, तो उसी से लेकर एक आज यह भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। दुनिया से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और SDM कार्यालय तक, उप जिलाधिकारी का जो यहाँ पर कार्यालय है, वहाँ तक यह प्रदर्शन होगा। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं कार्यालय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी हल्द्वानी पे, यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हो रहे हैं। देखो, काफी मीडिया वाले बंधु भी यहाँ पर हैं, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ भी हो रहा है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं जो हो रही है। अब ये देखिए, स्पीकरों के द्वारा यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर काफी नारेबाजी हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो हमारे अभी SDM साहब यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए ज्ञापन। ये है, कल ही आप ये समझ लीजिए कि भाजपा में भी, भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है उसके द्वारा रानीखेत छात्रा के साथ किया गया है। और अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा का नेता और सम्मिलित है। चंपारण से हमारी छात्रा के साथ छेड़छाड़ में भाजपा का मंडल अध्यक्ष इसमें आरोपित है, और इसी तरीके से कल जो घटना हुई उसने भाजपा का चेहरा साबित कर दिया है। ये सरकार सुरक्षा देने का काम कर रही है भाजपा के नेताओं को। ये
जो अपना विरोध कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं, राज्य की भाजपा सरकार महिलाओं बच्चों मासूमों के प्रति होने वाले जगह अपराध सामूहिक बलात्कार को रोकने में पूर्णता विफल रही है, जिसके कारण उत्तराखंड में भय डर अपने मासूमों के प्रति चिंता का माहौल व्याप्त हो गया। कल रोज है उप मामलों में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था अराजकता महिलाओं और मासूमों के प्रति जगह अपराधों पर निर्देशित आवश्यक करने की राज्य सरकार को कृपा करें। भाजपा कार्यकर्ता सेम से ना, भाजपा कार्यकर्ता सेम से, भाजपा कार्यकर्ता सेम से, भाजपा नेता सेम से। तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया है। अब वो ज्ञापन लेके जा रहे हैं हमारे एसडीएम साहब, तो अभी देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर किस तरीके का रहता है।